महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की संकटग्रस्त प्याज किसानों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी की घोषणा को खैरात करार देते हुए हजारों किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 13 मार्च यानी सोमवार दोपहर को नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च शुरू कर दिया है। इससे पहले और साल 2018 और साल 2019 में लगभग बड़ी संख्या में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई की तरफ कूच किया था। अब ये किसानों का तीसरा लॉन्ग मार्च है। दरअसल तीसरी लॉन्ग मार्च करने की नौबत इसलिए भी आई क्योंकि यहाँ के किसानों को कई बार से अच्छी सब्सिडी देने का वादा तो किया गया लेकिन दी नहीं गई। और अब ऑल इंडिया किसान सभा ने इसे खैरात करार दे दिया है। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लगभग 10,000 के करीब आदिवासी किसान एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। नासिक से प्याज की कीमत सहित 17 पॉइंट डिमांड का चार्टर लेकर किसान मार्च कर रहे हैं। किसानों की सबसे प्रमुख मांग विशेष रूप से प्याज के लिए लाभकारी मूल्य है। प्याज के लिए करीब 2,000 रुपए प्रति क्विंटल और निर्यात नीतियों में बदलाव के साथ साथ 600 रुपए प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी की मांग किसान कर रहे हैं। साथ ही मार्च कर रहे किसानों ने सभी वन भूमि, चारागाह, मंदिर, इनाम, वक्फ और बेनामी भूमि का कृषकों के नाम पर निहित करने की मांग भी रखी है। अब देखना यह है कि कैसे होगा नासिक से मुंबई तक का लॉन्ग मार्च का अंत।